हेलो फ्रेंड, आपकी अपनी चैनल फन विद फूड में आपका स्वागत है। तो हो जाइए तैयार हमारे साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशल जो आपको बेहद ही पसंद आने वाला है। तो चलो हो जाओ तैयार। सबसे पहले हम 1 किलो लौकी लेंगे। लौकी हमें अच्छी तरह देखकर लेना है। हमें पतली लौकी लेनी है और ताजी लेनी है, ताकि अंदर से वह कड़वी ना हो और उसमें बीजे वगैरह भी ना हो। यह सब चीज़ें देखकर ही आपको लौकी लेनी है। लौकी साफ चमकदार हो और आकार में लंबी हो, ताकि उसमें बीजे वगैरह ना हो। हमने अच्छी तरीके से साफ कर इसके दोनों किनारों को हमें काट लेना है। कैसे हमने इनके दोनों किनारे काट लिए हैं। अब हमें इन्हें छीलना है। आप इन्हें अच्छी तरीके से देखिए, इस तरीके से। यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, पसंद आने वाली है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ताजी लौकी ही लेनी है, क्योंकि अगर लौकी अच्छी होगी तो हमारा स्वाद भी बढ़िया आएगा और आपको खाने में भी स्वादिष्ट लगेगी। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हम इसके 2 टुकड़े कर लेंगे और उसे, अगर आपके बीजे हैं तो आप बीजों को निकाल लीजिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपकी लौकी में बीजे हैं तो आप उन्हें अच्छी तरीके से बीजों को निकाल लीजिए, क्योंकि हमारी रेसिपी में बिल्कुल भी बीजे नहीं होने चाहिए। आप चाहें तो इसे इस तरीके से 2 भाग कर भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने सारी लौकी को ग्राइंड कर लिया है। अब हमें इसका पानी निकालना है। आप चाहें तो इसे छन्ने की सहायता से भी निकाल सकते हैं, या हाथ से भी इस तरीके से दबा दबा कर निकाल लें। यह हमारा देसी तरीका है। और अगर आप चाहें तो जो हम जूस निकालने के लिए छन्ने का उपयोग करते हैं, अगर छन्ने का उपयोग कर भी इसका पानी अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। हमें यह पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी रेसिपी में कम टाइम लगे और टेस्टी भी बने। इस तरीके से हमने इसका सारा पानी निकाल लिया है। दबा दबा कर अच्छी तरीके से इसका पानी निकाल लेना है। आप इसे छन्ने की सहायता से भी बड़े आराम से कर सकते। जो पानी बचा है इसे आप किसी ग्रेवी में उपयोग कर लें, आटा उसलने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, या आप इसका शरबत या जूस बनाकर भी पी सकते हैं। इसके पानी का उपयोग आप आटा गूंथने के लिए कर सकते हैं, या चावल या दाल बनाते समय इसका उपयोग कर सकते हैं, या आप चाहें तो सब्जी बनाते समय ग्रेवी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका पानी बहुत ही टेस्टी होता है। अब हमें एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है। हमारे को कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म हो जाए और हमारा घी भी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। इसके बाद हमें जो हमने लौकी को किस कर रखा था, अब हम उसे मिला देंगे। इस तरीके से हमने सारी लौकी को डाल देंगे। जितनी हमने कद्दूकस करके रखी थी लौकी को, वह लौकी हमने डाल दी है। अब हम इसे चलाते रहना है। इसे हमें चलाते रहना है ताकि यह चिपके नहीं। हमें इसे चलाना इसलिए है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी अगर थोड़ा बहुत बचा है तो वह भी सूख जाए और हमारी रेसिपी भी टाइम कम ले बनने में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से चलाने से थोड़ा लौकी पक भी जाएगी हमारी और उसका पानी भी सूख जाएगा, और तो इससे हमारे टाइम की बचत होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसे हमें कम से कम 4-5 मिनट तक हम इसे चलाते रहेंगे। इसे हमें बिल्कुल चिपकने नहीं देना है। अगर आप चाहें तो इसमें 1-2 चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें घी डाल लीजिए, ताकि यह अच्छी तरीके से सिक जाए और यह चिपके भी नहीं। इसे हमें लगातार चलाते रहना है। तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं, इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। ट्राई करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि यह रेसिपी कितनी टेस्टी है और स्वादिष्ट है। जो बाज़ार से आप
महंगी महंगी मिठाइयाँ खरीद कर लाते हैं, आप लाना भूल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। बाजार में जो भी हम मिठाइयाँ लाते हैं वे हमें ये भी पता नहीं रहता कि यह कितने दिन पहले बनी हुई है या इसमें किस किस सामान का उपयोग किया गया है। आप इसे घर में बनाएं, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। इसमें हमने वो सब चीज़ें डाली हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हेल्दी है। अब हमने इसमें एक गिलास दूध ऐड कर देंगे, फुल फैट वाला दूध ही आपको यूज करना है। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें एक गिलास दूध का उपयोग किया है। दूध डालकर भी हमें इसे अच्छी तरीके से चलाना है ताकि हमारी जो लौकी है वह अच्छी तरीके से पक जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहें तो खोवे का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आज की इस रेसिपी में हम खोवे का उपयोग नहीं कर रहे हैं। खोवे का ऑप्शन हमने ढूंढ लिया है। इस तरीके से आप इसे चलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। दूध भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। हमने इसमें वही चीज़ें डाली हैं जो हमारे लिए पौष्टिक और हेल्दी हैं। इसे बच्चे लोग जो लौकी नहीं खाते हैं वे भी बड़े आराम से खाएंगे। अब हमने इसमें फ्रेश क्रीम डाली है। हम इसमें खोवे का उपयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए हमने इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे दूध पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। हमारी रेसिपी में चार चांद लग जाएंगे और टेस्टी भी हमारी रेसिपी बनेगी, इसलिए हमें इसमें दूध पाउडर का उपयोग करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास खोवा नहीं है तो आप इसमें दूध डालिए, दूध पाउडर डालिए, क्रीम डालिए। इससे हमारी जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनेगी और साथ में हेल्दी भी बनेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि आजकल मार्केट में खोवा बहुत कम मिलने लगा है, और मिलता है तो हमें ये भी पता नहीं रहता है कि यह मिलावटी है, नकली है कि असली है, इस बात का हमें पता नहीं चलता है। तो आप इस तरीके से बनाइए। जिन्हें लौकी पसंद नहीं है वह भी इसे बड़े चाव से खाएंगे, इस बात की गारंटी है। जो बच्चे क्या बड़े भी, जिन्हें लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है तो वे भी इस तरीके से आप इन्हें बनाएंगे तो वे ज़रूर खाएंगे। अब हमने इसमें शक्कर ऐड करेंगे और इसे भी हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। देखिए कितना बढ़िया देखने में लग रहा है, देखने में जितना बढ़िया लग रहा है उससे बढ़िया ये खाने में लगती है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। शक्कर आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें जो दूध पाउडर डाला है उसमें भी थोड़ा मीठापन होता है, क्रीम में भी मीठापन होता है, इसलिए आप अपने अनुसार कम ज़्यादा शक्कर डाल सकते हैं। मैंने 1 किलो लौकी में 100 ग्राम शक्कर डाली है, आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कैसी लग रही है आपको यह रेसिपी? देखकर मुंह में पानी आ रहा है तो चलिए इसे ट्राई कीजिए। जब आप इसे ट्राई करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि यह कितनी टेस्टी है और हेल्दी भी है। जिन्हें दूध पसंद नहीं है उनके लिए भी यह बहुत अच्छा ऑप्शनल है। अच्छी तरीके से पक चुकी है और हमारा दूध भी सूख गया है। हमें इसे सारा दूध अच्छी तरीके से सूख जाएगा और हमारी लौकी पक जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहें तो इसमें फ्रूट कलर ऐड कर सकते हैं, इससे हमारी जो मिठाई है वह बढ़िया कलरफुल बनेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए और अगर नहीं डालना चाहते तो नहीं डालिए, यह बिल्कुल ऑप्शनल है। लेकिन इससे हमारी बर्फ़ी जो बनेगी वह बहुत ही
कलरफुल बनेगी और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी और सबके मन को भाएगी। अभी त्योहारों का टाइम चल रहा है तो भाई बाजार से जो आप मिठाइयाँ लाते हैं उन्हें भूल जाइए, इस तरीके से आप बनाइए। क्योंकि हमारी लौकी की बर्फी है तो भाई वो हरे रंग की तो होनी चाहिए, तो हमने इसमें हरे रंग का फ्रूट कलर ऐड किया है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, देखकर मुंह में पानी आ रहा है। अरे भाई आप जाइए किचन में और इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे, आप अपनी इच्छानुसार ड्राई फ्रूट ऐड कीजिए, जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट डालिए। हाँ लेकिन इसमें इलायची पाउडर ज़रूर डालिए, इससे हमारा टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसे हमें चलाते रहना है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है ताकि हमारी चिपके नहीं कढ़ाई में। देखिए कितना बढ़िया बन गया है। अभी हमें इसमें 5-7 मिनट और लगेंगे। अगर अब आप चाहें तो इसमें और घी ऐड कर सकते हैं, इससे हमारा जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। क्योंकि बाद में जो घी डाला जाता है उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए हमें शुरू में तो घी डालना ही डालना है। बाद में भी अगर हम 1-2 चम्मच घी डाल देंगे तो इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। आप इसे ट्राई ज़रूर करिए, इस फेस्टिवल आप इसे बनाइए, आपके बच्चे खुश और जो मेहमान आएंगे वह भी बहुत ही खुश होंगे। आपको मार्केट से मैगी मिठाइयाँ लाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे बनाइए ज़रूर। यह बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कितनी बढ़िया खाने में लगती है। हाँ अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आती है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक डिसलाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमें आगे आपको क्या बताना है, आप क्या देखना चाहते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई हमारी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली रेसिपी आपको पहले मिल सके। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने के लिए उत्सुक रहेंगे कि हमारे यूट्यूब की फैमिली है वह हमसे बहुत ही कुछ सीखना चाहती है। तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए कितनी बढ़िया कलर निकल कर आया है। अब हम जिसमें हमें बर्फी जमानी है उसमें हमने अच्छी तरीके से घी लगा लिया है। अब हम इसमें आप अपनी इच्छानुसार अगर चाहें तो ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, मैंने इसमें पिस्ता डाले हैं, आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते इसमें ऐड कर दीजिए। और अब हमने बर्फी जो हमने बनाई है उसे हम डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से हमें चिकना करना है। देखिए ऊपर से भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अपनी पसंद के, और अगर चाहें तो चांदी की वर्क भी लगा सकते हैं। चांदी की वर्क लगाने से ये मिठाई बिल्कुल बाजार जैसी लगने लगेगी, लेकिन हमने इसमें चांदी की वर्क नहीं लगाई है, हमने सिर्फ इसमें ड्राई फ्रूट से ही इसे सजाया है। आप अपनी इच्छा अनुसार इसे बना सकते हैं। अब हम इसे 2 घंटे बाद जब हमारी बर्फी अच्छी तरीके से सूख जाए तब हमें उसे इस तरीके से निकाल लेना है दूसरे बर्तन में। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से जम गई है, हम इसे मनचाहे आकार में काट लेंगे। छोटे बड़े पीस आप अपने अनुसार काट सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने इनके पीस काट लिए हैं, आप इन्हें चांदी की वर्क से सजाकर उसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। बर्फी अच्छी तरीके से कट गई है, देखिए कितना बढ़िया पीस निकल कर आया है। आप देख सकते हैं, कौन कहेगा यह घर में बनाई है, यह मार्केट स्टाइल बर्फी आप घर पर बनाइए और बाई बाई लूटिए, इस बात की गारंटी है। इसे देखकर आप कह सकते हैं कि इसे आपने घर में बनाया है, तो चलो इस बार आप इसे जरूर बनाइए और त्योहार एंजॉय कीजिए।
और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि बहुत प्यारी प्यारी रेसिपियाँ जो हम बनाने वाले हैं वे आपके पास सबसे पहले पहुँचे। देखिए कितना बढ़िया पीस बना है, आपके मुंह में पानी आ रहा है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। देखिए कितनी बढ़िया हमारी लौकी की बर्फी बनकर तैयार हुई है, कलरफुल, जिन्हें देखकर हमारे मुंह में तो पानी आ रहा है और हमारे यहाँ तो बनाते बनाते ही बनी मिठाई पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी, इस बात का पता ही नहीं चलेगा हमें, तो डब्बे में रखने का भी टाइम नहीं मिलेगा और यह जल्दी जल्दी चट हो जाएगी, तो इसे इंजॉय कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।